food. To me, food is happiness, smile, life. Food मेरे लिए सब कुछ है. Hi, मैं हूँ मेघना. Welcome to my world. Meghna's food magic. तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट बेकिंग रेसिपी पावलोवा. पावलोवा एक वाइट बेस डिजर्ट है. मेरा सबसे फेवरेट है बिकॉज इसमें कोई बटर नहीं लगता है, कोई ऑयल नहीं लगता है. बेसिकली ये थोड़ा सा गिल्ट फ्री डिजर्ट है और बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है. तो उसके लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बोल और उसके अंदर हम डालेंगे नॉर्मल 2 अंडा लेंगे हम, एग वाइट. इसको हमें करना है इलेक्ट्रिक बीटर से बीट एंड स्टार्ट बीटिंग इट. हमें ये तब तक बीट करना है जब तक कि इसकी सॉफ्ट पीक्स ना बन जाए एंड देन स्लोली स्लोली विल ऐड शुगर इनटू इट. इसमें हम ऐड करेंगे 60 ग्राम कैस्टर शुगर. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि लिक्विड अंडा उसमें से जाता है थोड़ा सा थिक, यू कैन सी बहुत अच्छे से एग वाइट एंड शुगर मिल गए हैं. एक्चुअली एक बार इसको थोड़ा टच करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे टच करके जब ऐसे इसको देखेंगे तो इसमें बिल्कुल शक्कर नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी लाइक नाइस एंड स्मूथ मिक्सचर जस्ट लाइक सिल्क. Now it's correct time to add icing sugar. वो भी 60 ग्राम as I said, सब सेम है. ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे. अब इसमें जाएगा ऑलमोस्ट लाइक 10 ग्राम ऑफ कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर विल बाइंड इट टूगेदर एंड इट विल गिव नाइस टेक्स्चर एज वेल. माई एग वाइट हैज कम टू अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी. एग, शुगर, कॉर्नफ्लावर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है. बेकिंग ट्रे में मैंने ऑलरेडी पहले से एक बटर पेपर लगा के रखा है और बटर पेपर के ऊपर मैंने राउंडल्स बना के रखे हैं. इस राउंडल्स पे अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे. इसको हमें बहुत थिक भी नहीं और बहुत थिन भी नहीं बनाना है. अप्रॉक्सीमेटली हर एक राउंडल्स में 2 स्पून जितना हमारा बैटर जाएगा. अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए. तो चलिए पहले ओवन को प्रीहीट करते हैं, तब तक इसको 5 मिनट रेस्ट देते हैं. बेचारा इतना बीट हुआ है तो रेस्ट तो बनता है. पावलोवा के लिए हमें रखना पड़ेगा बिटवीन 100 एंड 120. तो पहले करते हैं इसका टेम्परेचर सेट और इसको कर देते हैं प्रीहीट. तो चलिए ट्रे को रख देते हैं ओवन के अंदर. कभी भी बेकिंग करें तो पहले मिडिल रैक से स्टार्ट करें. चलिए एक बार पावलोवा चेक कर लेते हैं. जैसे कि मैंने बोला था इसको 40 से 45 मिनट लगते हैं. तो 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और मुझे पावलोवा बहुत ब्राउन नहीं चाहिए, जैसे वो केक जैसा ब्राउन बिल्कुल नहीं चाहिए. तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं. वाओ, इट लुक्स परफेक्ट. जैसे मैंने आपको बोला था कि इट शुड नॉट बी ब्राउन, ये परफेक्ट वैसा है. हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर. तो चलिए अभी पावलोवा को अच्छे से ड्रेस करते हैं. जस्ट टेक वन हियर. मेरे पास एक पाइपिंग बैग है जिसमें मैंने स्टार नोजल ऑलरेडी लगाया हुआ है. इसमें हम डालते हैं व्हिप किया हुआ क्रीम. मैंने पहले से ही व्हिप करके रखा हुआ है. इसको अच्छे से मैं सिर्फ स्टार नोजल से प्रेस करके डॉलप्स बना रही हूँ. अभी इसको फ्रेश फ्रूट से गार्निश करते हैं. पावलोवा के ऊपर लगाते हैं थोड़े से कीवी. आप कहीं पे भी कैसे भी लगा सकते हैं. ये कैसे भी लगाइए बहुत खूबसूरत दिखेगा. थोड़े से पोमोग्रेनेट.
It's all about playing with colors. Just look at this, how beautiful it is looking. और एक ऊपर से रखते हैं चेरी. Just look at this, my beautiful pavlova is ready. चलिए जितना ये प्यारा लग रहा है उतनी ही प्यारी प्लेटिंग करते हैं. इसको रख देते हैं एक प्लेट के ऊपर. Oh my God, I just can't resist this. This is looking so pretty. टेस्ट करना तो बनता है. If you have liked my simple, yummy, delicious recipe, then please like kare, share kare and subscribe kare. Only on Meghna's Food Magic.